नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है उन्हें केपीआर मिल का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। ईयर 2008 के आसपास स्टॉक का प्राइस हम पे बॉटम फॉर्मेशन किया था, उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस जब भी इस रेड लाइन को टेस्ट किया है प्राइस को वहाँ पे मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस के लिए जो रेड लाइन जा रहा है ये हो गया मल्टी डिकेड का मोमेंटम लाइन एंड मल्टी डिकेड का सपोर्ट लाइन। जब भी स्टॉक का प्राइस देखिए इस रेड लाइन को टेस्ट करेगा ये सबसे लो रिस्क जोन बनेगा स्टॉक का प्राइस के लिए। देखिए इस लेवल तक आने के लिए थोड़ा सा टाइम है जो कि बन रहा है 380 के आसपास। अभी के लिए इस मल्टी ईयर का एनालिसिस को हम बाद में करेंगे, मतलब जब प्राइस पुल बैक करेगा। लेकिन प्राइस देखिए यहाँ पे जिस टाइप का अप ट्रेंड एस्टेब्लिश किया है एंड जिस टाइप का कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए डेली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे क्लियर कट हायर हाई फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे के रेंज को ब्रेकआउट किया है। देखिए प्राइस के लिए जो रेड लाइन था यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था, इस लेवल से प्राइस को देखिए मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। एंड यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखिए जिस टाइप का एक हायर हाई फॉर्मेशन के साथ प्राइस यहाँ पे जो उसका मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। उसी केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो वो बनेगा स्टॉप लॉस। जब तक स्टॉक का प्राइस उसका प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस टाइप का ब्रेकआउट के ऊपर अगर मार्केट सपोर्ट करता है आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो टारगेट क्या बनेगा, देखिए लाइफ हाई के ऊपर कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है, वहां पर टारगेट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। एंड एज पर द फिबोनाची एक्सटेंशन जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है 1.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 1060 एंड जो सेकंड टारगेट बन रहा है 2.600 का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 1278 1060 एंड 1278 इस दोनों टारगेट को प्राइस टेस्ट कर सकता है जिस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट कर लेता है तो अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर रिजल्ट देखेंगे ना, रिजल्ट देखिए सेल्स डाउन हुआ है उसके साथ नेट प्रॉफिट भी डाउन हुआ है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर यहाँ पे शेयर होल्डिंग को उनका कांस्टेंट रखे हैं, लेकिन एफआई एंड डीआई दोनों यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं जो कि एक पॉजिटिव साइन है। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा एंड खुद का एनालिसिस को वार्ड कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।